देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आकंठ भ्रष्टाचार से शहर पिछले 40 वर्षों से करा रहा है। शहर को इससे मुक्ति दिलाने के लिए, बढ़े हुए वाटर टैक्स और हाउस टैक्स को माफ़ करने के लिए हम लोगों ने तैयारी की है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से इस बार नगर पालिका में परिवर्तन होने जा रहा है। नया क्या रहेगा? संदीप शुक्ला पूर्व मंत्री रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से, उनका भी यही विजन है। आपका नया विजन क्या रहेगा नगर क्षेत्र के लिए? देखिए, नया विजन वो जो उनका विजन है वो पुराना विजन है, वो तो हमारा ही कॉपी है। सबसे पहले इस पर आवाज़ अगर किसी ने उठाई है, सड़कों पर आंदोलन किया है, तो आपसे बेहतर शायद कोई जानता हो। ये तो हमारा ही, बहुत दिन से कांग्रेस के लोग इस पर आंदोलन भी कर रहे थे। हम सब ने इसकी तैयारी की और एक रोड मैप दिया सुल्तानपुर की जनता को। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित थी, कराह रही थी, उस समय भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुशासन ने 20% से ज़्यादा वाटर टैक्स, हाउस टैक्स और दुकानों के किराए में वृद्धि कर दी, जबकि दुकानें उस समय खुल भी नहीं रही थी। इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का हमने संकल्प किया है, निश्चित रूप से दिलाएंगे। प्रदेश में चुनाव चल रहा है नगरपालिका का, ऐसे में कोविड भी महामारी फैली हुई है, उसके लिए गाइडलाइन जारी हुई है, क्या मान रहे हैं आप? देखिए, कोविड से बचाव तो हम सबको करना ही चाहिए, इसीलिए आज हमने नामांकन भी बहुत हल्के तरीके से कम लोगों के साथ नामांकन करने का प्रयास किया है। सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की है और लोगों से भी यही चाहते हैं कि कोविड के नियमों का पालन किया जाए। बहन बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए क्या एजेंडा रहेगा आपका नगर? देखिए, नगर में सबसे ज़्यादा तो नगर में अपराध है, सबसे ज़्यादा नगर हमारा स्मैकियों से जूझ रहा है। स्मैक के लिए सबसे पहले हम इस पर आवाज़ उठाएंगे और बहन बेटियों की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए हमने तैयारी की है। पर आपने देखा है, आपने उन्नाव देखा है, आपने मेरठ देखा है, उत्तर प्रदेश की सारी घटनाओं पर आपकी निगाह है। भयमुक्त कितना है? जेलों में हत्याएं हो जा रही, पुलिस की कस्टडी में हत्याएं हो जा रही, अब भयमुक्त कितना है ये तो आप लोग तय करें, इस देश की जनता तय करी, प्रदेश की सब देख रहे हैं। निश्चित रूप से नगर पालिका चुनाव में जवाब मिलने जा रहा है। स्वच्छता के लिए क्या कहेंगे नगर में? देखिए, स्वच्छता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। स्वच्छता पर एक बहुत ज़रूरी विजन की भी आवश्यकता है। नगर पालिका का कूड़ा जो इकट्ठा होता है वो नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर ही उसका डिस्बर्स किया जाता है, जो कि सबसे गलत बात है। वहाँ लाखों की आबादी रहती है और सौर मऊ के ठीक बगल नगर पालिका का डंपिंग यार्ड बना है। मरे हुए जानवर वहाँ फेंके जाते हैं, उनसे लोग पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। उस नगर पालिका मैंने एक संकल्प पत्र बनवाया है, 25 वार्ड है, 25 संकल्प हैं हमारे। उस संकल्प में एक संकल्प ये भी है कि नगर पालिका के कूड़ा डंपिंग यार्ड को नगर क्षेत्र से बाहर किसी ऐसी जगह आबादी से दूर ले जाना है जहाँ पर आम जनता का जीवन सुरक्षित रह सके। छोटा मवेशियों के लिए क्या करेंगे आप नगर में जो घूम रहे हैं? देखिए, उन 25 संकल्पों में एक संकल्प पत्र ये भी शामिल है कि हम गौशालाएं बनवाएंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ छुट्टा जानवर जो सड़कों पर टहलते रहते हैं, जिनका कोई देखरेख नहीं है, जिनकी वजह से लोगों की जीविका संकट में है, जीवन संकट में है, लोग घायल हो रहे हैं, उन जानवरों को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। उनके चारे पानी की व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से होगी और सड़कों पर एक भी जानवर छुट्टा नहीं टहलेगा नगर में। मेरे उस 25 संकल्प में एक संकल्प ये भी है कि गोमती नदी के किनारे गोमती हाट नामक एक मार्केट प्लेस बनाया जाएगा, जिसमें पटरी गुमटी दुकानदारों को तरजीह दी जाएगी, जनपद के युवाओं को तरजीह दी जाएगी और पटरी गुमटी दुकानदारों को एक बेहतरीन व्यवस्था देकर, गोमती हाट बनाकर नौजवानों को व्यवस्था देकर इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि रोजगार भी सुनिश्चित हो और सड़कों पर अतिक्रमण भी ना हो।